हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश और आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4C यानी कि एजुकेशन 4CVL। हालांकि इस वीडियो में मैं कोई भी एजुकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। इस पैंडमिक में कोविड-19 की जो पैंडमिक है इसमें हम लोग कैसे ट्रैवल करें अच्छे तरीके से, और मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम बेंगलुरु टू हैदराबाद। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने टिकट लिया, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, कैसे स्टेशन आना हुआ, सारी बातें बताऊंगा। हाँ, ये मास्क मैं खोल नहीं सकता क्योंकि आप जानते ही हो कि काफ़ी डर है, इसके वजह से मैं मास्क खोल नहीं सकता। तो आप हमारे इमोशंस को समझें, ना कि हमारे चेहरे को। वैसे मैं कोई ज़्यादा स्मार्ट हूँ नहीं, तो ठीक है तो मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैंने फर्स्ट एसी में टिकट लिया। अभी आप ये पहले कैबिन, पूरा कैबिन को देख लोगे कैसा फर्स्ट एसी है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहा हूँ। इससे पहले मैं थर्ड एसी में गया था और एक दो बारी फ्लाइट में मैं ट्रेवल किया हूँ। तो पहले अब ये पहले ये पूरा ये कैबिन देख लो कि फर्स्ट एसी की कैसी कैबिन होती है। दोस्तों, ये टोट पूरा फर्स्ट एसी का कैबिन है, ये देख सकते हो आप। ये हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं। ये हमारे सामान है, लगेज है। ये मैंने कुछ खाने के सामान रखा है और ये वाटर, ये वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र, और हाँ ये फेस शील्ड जो ले रखा है ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे। हाँ, ये जो फर्स्ट एसी का जो कैबिन है इसमें देख लो कि 2 सीट्स है, अपर एंड लोअर, एक अपर एंड एक लोअर एंड अनदर वन अपर एंड लोअर। तो दोस्तों, इस तरीके का कुछ इन्होंने दे रखा है। हाँ, मेंटेनेंस अच्छी है, साफ़ सुथरे हैं। लेकिन हाँ, इस कोविड में अगर आप फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो अपने घर से ब्लैंकेट वगैरह ज़रूर लेकर आए, जैसा कि मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि ये देने वाले नहीं है ब्लैंकेट, क्योंकि कोविड है, पता नहीं शायद नेक्स्ट पर्सन जो उसे यूज़ किया उसे कोविड हो तो आपको भी लग जाए। इसके कारण, इसके मद्देनज़र रखते हुए रेलवे वालों ने ये फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं अभी। और ये एक टोटो कैबिन टाइप का होता है जैसा आप देख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये मेरा फेस शील्ड है, ये मेरा सीट है, मैं इसके ऊपर अभी आराम से सोऊंगा और हैदराबाद को जाऊंगा। तो ठीक है, अभी इसका टिकट में कितना प्राइस पड़ा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी ये ट्रेन का टाइमिंग 8 PM है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, 8 बजे यहाँ से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, इसका प्राइस जो था 3,000 2,900 समथिंग ऐसा कुछ आया है। सो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें स्टेशन आने में हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि स्टेशन, हमने टिकट लिया था यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से और ये हमें पता नहीं कब ये बेंगलोर सिटी से हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो बहरहाल मारथली से ये यशवंतपुर आने में 1200 रुपीज़ वो लिए, उसके बाद हम गलत स्टेशन चले गए, उसके बाद हमने चेंज किया स्टेशन, तो वहाँ से इधर आने का 300 रुपीज़ और, जबकि 4 किलोमीटर था उसके लिए 300 चार्ज किया ओला उबर वालों ने। तो ठीक है, मौके का फ़ायदा लोग उठाते हैं, उठाए वो लोग भी। ठीक है, अभी कोविड पूरा पैंडेमिक पूरा बढ़ चुका है जैसा कि आप जान ही रहे हो। तो कोई नहीं, उधर ही अभी जाने का है क्योंकि बेंगलुरु से जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही केस बढ़ रहा था तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा उधर, तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो देख लीजिए ये फर्स्ट एसी कैसा सब कुछ रहा, और हमें बताएं ज़रूर कि आप क्या सुरक्षित हो, कैसे हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेने होते हैं आने के लिए, आपके हैंड ये पूरे होने चाहिए, आपके ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड जो मेरे ऊपर में रखा है, मैं आपको दिखाया जस्ट अभी, पानी, घर से ही खाने की सामग्री, कुछ भी जो भी लेना हो घर से लेकर आए। हम तो लेके आ नहीं सकते क्योंकि हम इधर पीजी में रहते थे, बेंगलोर में पीजी में, तो हमें ख़रीदना ही पड़ा, लेकिन आप अपने घर से लेकर आए। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।